आप सबका हमारे गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। आज भुई आंवला के बारे में चलिए आपको कुछ बताते हैं। फ्रेंड्स, एकदम आंवले की तरह ही यह भुई आंवला का पौधा होता है। देखिए फ्रेंड, ये आंवले का पौधा है और देखिए ये इनकी पत्तियां, आप गौर से देखिए जैसे हैं ये, और पीछे से ये देखिए इस प्रकार से ये आंवले का पौधा है फ्रेंड। और फ्रेंड चलिए आपको दिखाते हैं, ये भुई आंवला का पौधा है जो कहीं भी खरपतवार के रूप में उगा रहता है। आप इसको भी गौर से देखिए फ्रेंड, एकदम आंवले की तरह ही ये है, और पीछे पीछे छोटे छोटे देखिए इसके बीज लगे हुए हैं, एकदम सेम आंवले के पौधे की तरह, और पत्तियां भी सेम ही हैं। पहले फ्रेंड मैंने आंवले का पौधा आपको दिखाया था और अब मैं इसको दिखा रही हूँ, भुई आंवले के पौधे को। देखिए ये गमले में ही उगा हुआ है फ्रेंड, ये कहीं भी उग जाता है, आप सड़कों के किनारे भी देखेंगे तो उगा रहता है फ्रेंड। इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में हम नहीं जानते हैं फ्रेंड। इस प्लांट में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, इस प्लांट से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। देखिए मार्केट में ये उपलब्ध रहती हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसको प्रयोग विधि में ला सकते हैं और अपने हेल्थ को दुरुस्त कर सकते हैं फ्रेंड। ये प्रायः साल भर हर जगह आपको मिल जाएगा, विंटर सीजन में आपको नहीं मिलेगा, ये विंटर सीजन में नहीं होते हैं, नहीं तो ये हर जगह ही अपने आप उग जाते हैं। सुबह सुबह आप दो चार पत्तियां इसकी लेकर बासी मुंह चबाकर खाएं और ऊपर से पानी पी लें फ्रेंड। ये लीवर के लिए तो रामबाण औषधि है, या फिर आप दो चार पत्तियां खाएं ऊपर से गर्म पानी पी लें, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड इसको ज़रूर अपने दिनचर्या में प्रयोग में लाएं, या फिर काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। या मलेरिया, टाइफाइड या अंदरूनी बुखार, इसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर आपके शरीर में कहीं खुजली हो रही है तो इसको पीस कर लगा लें, बहुत ही जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये फ्रेंड इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, आपके शरीर में दिन भर इससे एनर्जी बनी रहेगी, लीवर भी स्वस्थ रहता है। अगर डायबिटीज़ है फ्रेंड तो डायबिटीज़ में भी और आँख के रोगों में भी बहुत फ़ायदा करता है, और शरीर एकदम चुस्त दुरुस्त रहता है फ्रेंड। तो आपके यहाँ कहीं ये उगा है तो फ्रेंड इसके आयुर्वेदिक गुणों को पहचानें फ्रेंड, इसको इस्तेमाल में लाएं, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप इसको अपने प्रयोग विधि में लाएं फ्रेंड, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही अच्छा ये प्लांट होता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।